अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाहीन रेडियो नेटवर्क और मैं हूं शाहीन सिंधी। आज हम शिकारपुर से सखर और रोहड़ी जा रहे हैं, जहां पे कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है, जिसमें सूबाई और मरकजी अहदेदार और रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। और ये सखर का रोड है, सखर जा रहे हैं तो रास्ते में ये मोटरसाइकिल पे हमारे ऑफिस के हेड क्लर्क बाबू कामरान मेमन और मोहम्मद मतीन सुमरो भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और हम लकी गुलाम शाह और सिटी जहान खान से होते हुए सखर में दाखिल हो रहे हैं। और सखर में दाखिल होने के बाद दोस्तों ने कहा कि चाय का वक्फा किया जाए, तो ये हम सखर में गाड़ी से उतर रहे हैं। ये हैं हमारे हाजी मुनवर अली और साथ में इरफान अहमद, और ये हैं मोहम्मद मतीन और साथ में हैं मोहम्मद अंबर। और ये है मेरे साथ बाबू कामरान, आफताब अहमद। चाय के वक्फे के बाद फिर हम रोहड़ी की तरफ रवाना हुए सखर से होते हुए। ये सखर के मुख्तलिफ मंजर हैं। और ये है लेंसडाउन पुल,
जिसे लैंसडाउन बैरेज भी कहा जाता है और ये बर्तानिया दौर का बना हुआ है। 19वीं सदी में तामीर किया गया और ये पुल सखर और रोहिड़ी को आपस में जोड़ता है। ये बड़ा तारीखी मकाम है, बहुत सारे सैयाह यहाँ पे आते हैं इस पुल को देखने के लिए। और आखिरकार हम रोहिड़ी से होते हुए उस मकाम पे जा पहुँचे जहाँ पे कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया था। और यहाँ पे हमने देखा कि ढोलक की ताब पे आने वाले मेहमानों का, रहनुमाओं का इस्तकबाल किया जा रहा था। सबसे पहले मैं सखर की लेबर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह आपने अपने लीडरों का इस्तेमाल किया और जिस तरह आप अपने जलसे में बैठे हुए पुरस्कूल तरीके से आप अपने लीडरों की बातें सुन रहे हैं। आप वाकई मुस्तैक हैं मुबारकबाद की। मेरे दोस्तों, हमारी ऐसी क्यादत है जो पूरे दुनिया में, आप कुछ लोग पाकिस्तान में कहते हैं, मैं कहता हूं कि हमारी क्यादत जैसी क्यादत पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे कुर्शी साहब और अब्दुल लतीफ रजामानी साहब जिस तरह रात दिन मेहनत करते हैं, शायद ही आपको 18 साल का बच्चा जो है वो इस तरह मेहनत कर रहा है।
जोड़ देते हैं, आपस में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और अल्लाह ने हमें हाइड्रो यूनियन में ये मोहब्बत और ये चाहत अदा की। मेरे साथियों, आया मैं पाकिस्तान से लेकर, मैं कसम मेरी गाली आई कंपनी ये सेफ को कंपनी तवासा हलाई पिया एते काफी मुश्किलात मसाइल आयल जेके दिन का दिन देना है असा सीओ साहब तो फैसला बाद जा जी साहब जी दिलावाली साहब जी असा सीओ साहब असा जो काफी इन्हीं लेवल पे संजीदा भी आए हैं, काफी उन जे पीरियड में काफी तरक्की भी थी, असा सेफ को में इंप्रूवमेंट भी आई आ, काफी शहर में होना स्पेशली कोविड के दौरान असि मूल एडो वो कम किया बोनस चाहता है वो असोडी साहब के रिक्वेस्ट कई चेयरमैन साहब के सभी गर्जी या कोशिश वरती से असो मू भरारी ईद थे घर में कुर्बानी भी करें खुशी भी थे तो बोनस जो उन्होंने मुख्य उम्मीद है तो पंजे को मुबारक सा रे गाल जो ऐलान कर दो सेफ को के ये तो इस वजह से और साहब एको इस वजह से मेरे पास तो इस वजह से बोनस नो है जो ऐसा बाबा मत कहो ऐसा जाय सरकार है असली मुल्क में मजदूर हक के लिए जगजहती के लिए इदारे में तरक्की लाए बिजली चोरन के खात्मे के लिए बिजली चोर जी बिजली चोर धारे मेरा दोस्त है साथियों, स्टाफ घटा है, गाड़ियों को हम सिविल वर्स कोर्ट का थियन मानव जगियां से भर्ती कोर्ट का थियन सर एपीसी से फिर हर मानव हम आपके बाल कर दिया हमने भी और आज आने से पहले आने से पहले आपके सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद सलीम साहब से हमारी डेढ़ दो घंटे मीटिंग हुई है और उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमें दरख्वास्त करता हूं साहब से ऐलान करें जो आज अच्छे फैसले किए हमारे मुताबिक मंजूर करने के। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि याद रखिए
अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जमात बनाओ जो खैर के लिए बुलाए बुराई से मना करे। आपकी यूनियन ने 6 मरतबा रेफरेंडम लड़ा है, 6 मरतबा अल्लाह ने कामयाब दी है। आज इसको तस्लीम करने के लिए कहते हैं 16 रेफरेंडम लड़ाओ, मजदूरों का नारा लगता है मजदूर आजाद करें, आप भी आजाद करें, मजदूर 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 मजदूरों के दाद जो लोगों को तस्लीम करे दोस्त है दुश्मन है। ये अल्लाह के प्यारे जो अल्लाह को अधैर थे वो कहते हैं 16 रेफरेंडम कराओ, मजदूरों को तस्लीम कर दो, दो मरतबा निष्कारी होने लगी है। यूं ने कोशिश की है और इंजीनियर हमारे साथ शामिल हुए हैं, निष्कारी होती है। आज फिर खतरा है, हमें तस्लीम करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ये तस्लीम नहीं होगी, हमें बच्चे होंगे मजदूर और इस कौमी लेबर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हम वापस सो रहे हैं। और अब शाहीन सिंधी को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह सोने जी हवाले।